आज से यूपी सरकार का बजट सत्र शुरू हो रहा है जो 7 मार्च तक चलेगा। इस दौरान 18 फरवरी को योगी सरकार अपना चौथा बजट पेश करेगी। हालांकि इस बार सत्र की बैठक लंबे समय तक होगी, लिहाजा विपक्ष भी सरकार को घेरने के लिए कमर कस चुका है। बजट सत्र राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों के संबोधित करने के साथ शुरू होगा। माना जा रहा है कि इस बार का बजट उत्तर प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा बजट होगा और इसका आकार 5 लाख करोड़ से ज्यादा का होगा। यूपी में आज से शुरू हो रहे बजट सत्र को लेकर बुधवार को विधानसभा परिसर में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। विधानसभा अध्यक्ष ने सर्वदलीय बैठक में सभी नेताओं से सदन के संचालन के सहयोग की अपील की। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार प्रदेश की सुरक्षा से लेकर युवा, महिला व व्यापारियों से जुड़े हर मुद्दे पर सार्थक चर्चा एवं समाधान के लिए तैयार है। प्रमोशन के बाद भी पोस्टिंग न होने, मनमाने तबादले सहित 22 सूत्रीय मांगों को लेकर माध्यमिक शिक्षा विभाग के 6000 से ज्यादा कर्मचारी आज से हड़ताल पर रहेंगे। हड़ताल की घोषणा यूपी एजुकेशनल मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स एसोसिएशन ने रविवार को ही दे दी थी। लखनऊ में 19 दिसंबर को नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हुए उपद्रव की जांच की मियाद हुई पूरी। इस जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषी पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ कुर्की की प्रक्रिया शुरू होगी। प्रशासन पूरे मामले की रिपोर्ट हाईकोर्ट को भी सौंपेगा। निर्भया गैंगरेप के एक और दोषी विनय शर्मा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। विनय शर्मा के वकील ने राष्ट्रपति द्वारा खारिज दया याचिका के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। उत्तर प्रदेश के चर्चित बहमई नरसंहार मामले की सुनवाई बुधवार को फिर से टल गई। एसपी ने गुम केस डायरी की फोटोकॉपी सहित रिपोर्ट पेश करने के लिए अदालत से 2 हफ्ते का समय और मांगा है। अदालत ने अब सुनवाई के लिए 26 फरवरी की तिथि नियत कर दी है। इससे पहले भी 3 बार अदालत सुनवाई टाल चुका है। एमपी एमएलए की स्पेशल कोर्ट ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा की तरफ से दायर मानहानि मामले में समन किया। जज पीके राय ने अगली सुनवाई के लिए 2 मार्च की तारीख नियत की है। ऊर्जा मंत्री ने कोर्ट में कहा कि 26,000 करोड़ रुपए के पीएफ घोटाले में अजय कुमार लल्लू ने उनका नाम जोड़कर लोगों को गुमराह किया, इससे उनकी छवि खराब हुई है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के गठन को लेकर निर्मोही अखाड़ा के ट्रस्ट महंत दिनेन्द्र दास और अखाड़ा के सरपंच राजा रामचंद्राचार्य के बीच मतभेद पैदा हो गया। इसी को लेकर आज अयोध्या क्षेत्र में अखाड़ा में पंचों की बैठक बुलाई गई है। विधायक दल की बैठक में अरविंद केजरीवाल को नेता चुन लिया गया है। बैठक में मनीष सिसोदिया ने अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाए जाने का प्रस्ताव रखा। चुनाव के प्रभारी संजय सिंह ने प्रक्रिया में प्रभारी थे, जिसके बाद विधायकों ने एक राय के साथ केजरीवाल को नेता चुना। 16 फरवरी को रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा। ये शपथ ग्रहण समारोह 10 बजे से शुरू होगा। दिल्ली के चुनावी रण में आम आदमी पार्टी एक बार फिर विजेता बनकर उभरी है। आम आदमी पार्टी के नेता और विधायक मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दिल्ली में पहली बार काम की राजनीति को सम्मान मिला है। दिल्ली ने नफरत की राजनीति को नकारा है और आपको लगातार दूसरी बार बंपर जीत दिलवाई है। आप नेता बोले कि दिल्ली की जनता काम को पसंद करती है, राजनीति का विकास मॉडल सिर्फ केजरीवाल के पास है। सीएए को लेकर आजमगढ़ में कांग्रेस और सपा आमने सामने है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी एक दिवसीय दौरे पर आजमगढ़ पहुंची। प्रियंका ने सबसे पहले महात्मा गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया, फिर बलेरियागंज में सीएए के विरोध में हो रहे धरने में पुलिसिया कार्रवाई से पीड़ित परिवारों से प्रियंका गांधी ने मुलाकात की। इसी दौरान एक बच्ची को रोता हुआ देख प्रियंका ने उसे अपने पास बुलाया और चुप कराकर गले लगाया। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी ने कुछ लोगों को विदेशी नोटों की तस्करी करते हुए पकड़ा। ये लोग पैसे को बेहद खुफिया तरीके से मूंगफली के छिलके में लेकर जाने की कोशिश कर रहे थे। तस्करी किए जा रहे नोट सिर्फ मूंगफली में ही नहीं, बिस्किट और नॉनवेज खाने में भी रखे गए थे। रकम की कीमत करीब 45 लाख रुपए के आसपास बताई जा रही है। नोएडा प्राधिकरण ने चलाया नो प्लास्टिक का अभियान। अभियान के तहत सेक्टर 4 और 10 में मारा छापा, जिसके बाद 4 कंपनियों पर 3,50,000 का जुर्माना लगाया गया।
मुजफ्फरनगर में क्रांति शिवसेना ने लठ पूजन करने के बाद होटल मालिकों को चेतावनी दी है। कहा कि वैलेंटाइन वाले दिन किसी भी कपल को होटल में बैठने या रुकने की इजाजत नहीं दे, पकड़े जाने पर कपल की पिटाई होगी। कुशीनगर में सिक्योरिटी कंपनी की कैशियर के अपहरण और हत्या के मामले में पुलिस ने एक खुलासा किया। पकड़े गए बदमाशों के पास से पुलिस ने 2,28,000 रुपए और देसी तमंचा बरामद किया। 24 घंटे के भीतर खुलासा करने वाली पुलिस को इनाम के तौर पर 10,000 रुपए मिलेंगे। प्रयागराज पुलिस ने 45,000 के इनामी बदमाश शकील सहित उसके दो साथियों को गिरफ्तार किया। शकील पर प्रयागराज सहित यूपी के कई शहरों में लूट और डकैती के 15 से अधिक मामले दर्ज हैं। दिल्ली के भजनपुरा इलाके में एक घर में 5 शव मिलने से हड़कंप मच गया। मृतकों में पति, पत्नी और 3 बच्चे हैं। पति ई रिक्शा चलाता था। सभी लाशें करीब 1 हफ्ते पुरानी है। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। लखनऊ में लगातार बढ़ रही आपराधिक वारदातों के मद्देनजर कमिश्नर सुजीत पांडे की अध्यक्षता में बैठक हुई। राजधानी के सभी थानेदार सहित जेसीपी, डीसीपी, एडीसीपी और एसीपी रहे मौजूद। अयोध्या में प्रदेश सरकार ने जमीन खरीदने और बेचने के लिए ई स्टैम्प सुविधा की शुरुआत की। सुविधा का शुभारंभ कराए जाने के बाद 4 लोगों ने अपनी जमीनों की रजिस्ट्री करवाई। दिल्ली विधानसभा चुनाव के मॉडल टाउन में तीसरी बार विधायक चुने जाने के बाद अखिलेश त्रिपाठी के पैतृक गांव संत कबीर नगर में जश्न मना। अखिलेश ने बीजेपी के कपिल मिश्रा को भारी अंतरों से हराया था। बलरामपुर में पुलिस ने 2,00,000 रुपए के लूट का महज 2 घंटे में खुलासा किया। पीड़िता ने अपने जेठ पर चोरी के आरोप लगाए थे। मुजफ्फरनगर कोर्ट ने रेप के मामले में आया फैसला। 2 अलग अलग मामले में कोर्ट ने एक आरोपी को 25 साल तो दूसरे को 10 साल की सजा सुनाई है। कानपुर देहात में दरोगा के अवैध धन वसूली और प्रताड़ना के चलते ग्राम प्रधान किरण देवी धरने पर बैठी, जिसके बाद दरोगा रामवीर को पुलिस अधीक्षक ने निलंबित कर दिया। इंदौर में शिवरात्रि पर जिले में गुजरने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों ने किया महादेव मंदिर का निरीक्षण। कांवड़ियों के सभी इंतजाम के लिए पुलिस कर्मियों से डीएम और एसपी ने की बात। प्रतापगढ़ में प्रधानमंत्री औषधि केंद्र में वसूली से भड़की महिला ने किया अस्पताल परिसर में हंगामा। अस्पताल में मरीजों को न्यूनतम मूल्य पर दी जाने वाली दवा के राशि को बढ़ाकर बेचा जा रहा था। पीलीभीत में गर्भवती महिला को सीएचसी में भर्ती कराए जाने के बाद नवजात बच्चे की हुई मौत। परिजनों ने लगाया अस्पताल पर लापरवाही और उगाही करने का आरोप। अलीगढ़ में बीते दिनों पेट्रोल पंप संचालकों से हुई लूट की 2 घटनाओं का पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस ने कुख्यात बदमाश बबलू की शातिर लुटेरी बहन और भाभी सहित 3 को जेल भेजा। अमरोहा पुलिस ने लूट का खुलासा करते हुए 2 लुटेरों को किया गिरफ्तार। बीते समय शातिर लुटेरों ने बराती बनकर दूल्हे के पिता के साथ डांस करते समय रुपयों से भरा बैग लूट लिया था। लखनऊ में मालगाड़ी ट्रेन से टकराई कार। हादसे में कार के उड़े पर खच्चे। मालगाड़ी के ड्राइवर की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। सिद्धार्थनगर में हाईकोर्ट के आदेश के बाद एआरटीओ विभाग ने स्कूल बसों का किया निरीक्षण। जांच में सीसीटीवी फास्ट एंड बॉक्स दिखे बसों में नदारद। एआरटीओ ने स्कूल प्रशासन को दिए सख्त निर्देश। गाजियाबाद में पुलिस ने वाहन चोरों के गैंग को पकड़ा। आरोपियों के पास से बरामद हुई चोरी के 9 वाहन। नगर में पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति ने 7 साल की मासूम के साथ किया रेप। मासूम की हालत बिगड़ने पर अयोध्या की गई रेफर। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार।
सीतापुर में मिशन इंद्रधनुष के तहत एक गांव के 31 बच्चों के टीकाकरण करने के बाद एक सात माह की बच्ची की मौत हो गई, वहीं कई बच्चे बीमार हो गए। परिजनों ने ANM पर लापरवाही करने का आरोप लगाया, तो वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में आवारा कुत्तों के आतंक से परेशान है स्थानीय लोग। आवारा कुत्ते बच्चों और महिलाओं को बना चुके हैं अपना शिकार। सीतापुर में चीनी मिल में लिंटर बनाते समय बॉयलर की छत गिरने से कई मजदूर घायल हो गए। आनंद फानंद में सभी मजदूरों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, एक की हालत गंभीर होने पर लखनऊ रेफर किया गया। हादसे के बाद ठेकेदार मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। फिरोजाबाद में पुलिस और बदमाशों में हुई मुठभेड़, मुठभेड़ में दो बदमाश हुए गिरफ्तार, वहीं पुलिस टीम में भी दो लोग हुए घायल, घायलों को ट्रॉमा सेंटर किया गया रेफर। आगरा के ASN मेडिकल कॉलेज में गायब हुए बुजुर्ग का बेसमेंट में मिला शव, परिजनों ने लगाया अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप। मामले में पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी। उधम सिंह नगर में बच्चों के मामूली विवाद पर दो पक्षों में हुआ खूनी संघर्ष, कई लोग हुए घायल, घायलों का इलाज जारी। विकास नगर में पुलिस ने 1 किलो 18 ग्राम अवैध चरस के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पकड़ी गई चरस की कीमत 1 लाख से अधिक की है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ NDPC एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है। देहरादून में समाज कल्याण मंत्री यशपाल आर्य ने विधानसभा सभाकक्ष में समाज कल्याण विभाग के संबंध में बैठक की। बैठक में सचिव को प्रतिमाह समीक्षा बैठक करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि फरवरी माह तक सभी पेंशनरों का सत्यापन कर लिया जाएगा। छात्रवृत्ति के संबंध में उन्होंने कहा कि 2018-19 की छात्रवृत्ति मार्च तक और 2020 की छात्रवृत्ति मई तक वितरित कर दी जाएंगी। थाईलैंड की राजकुमारी महाचक्री सिरिधौर्न ने तय कार्यक्रम के अनुसार दिल्ली में एयर इंडियन के विशेष विमान से पंतनगर पहुंची। वहां करीब आधा घंटा रुकने के बाद राजकुमारी सर्किट हाउस काठगोदाम रवाना होंगी। प्रतापगढ़ में बदमाश ने दुकान में घुसकर व्यापारी को गोली मारी, गोली मारने की घटना CCTV में कैद हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। देहरादून में सीएम आवास पर विधानमंडल दल की बैठक हुई, बैठक में कई विधायक रहे मौजूद। सीएम आज तमाम विधायकों के साथ करेंगे विकास की बात। देहरादून रेलवे स्टेशन में सांस्कृतिक साइन बोर्ड हटाकर लगाए गए उर्दू साइन बोर्ड। बोर्ड हटाने से संस्कृत महाविद्यालय के शिक्षक समिति ने जताया आक्रोश, साथ ही दिया 24 घंटे का अल्टीमेट। जर्मनी, कनाडा, फ्रांस और अफगानिस्तान समेत 25 देशों के राजनयिक जम्मू कश्मीर पहुंचे। ये प्रतिनिधिमंडल अनुच्छेद 370 हटाए जाने के 6 महीने बाद जमीनी हालात का जायजा लेने पहुंचा है। पहले दिन सभी सदस्य श्रीनगर स्थित डल झील घूमने पहुंचे। जानकारी के मुताबिक सभी प्रतिनिधिमंडल उत्तर कश्मीर के फल उत्पादक किसानों से मुलाकात करेंगे। सामाजिक समूहों, मीडिया और स्थानीय राजनेताओं से भी उनकी मुलाकात होगी। भारतीय सेना उन्हें घाटी में सुरक्षा की स्थिति की जानकारी देगी और नए केंद्र शासित प्रदेशों में पाकिस्तान की शह पर आतंक को बढ़ावा देने के बारे में भी बताएगी। महंगाई की मार झेल रहे आम लोगों को एक और बड़ा झटका लगा है। दरअसल इंडियन गैस ने बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर 150 रुपए तक महंगे हो गए। देश की राजधानी दिल्ली में 14 किलोग्राम के गैस सिलेंडर के दाम 144.50 रुपए बढ़ गए हैं। अब दिल्ली में बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर 858.50 पैसे में मिलेंगे। वहीं कोलकाता के ग्राहकों को 149 रुपए ज्यादा चुकाकर 896 रुपए देने पड़ेंगे। इसी तरह मुंबई में 145 रुपए की बढ़ोतरी हुई है और यहां अब सिलेंडर की नई कीमत 829.50 रुपए हो गई है। चेन्नई में बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर के दाम में 147 रुपए की बढ़ोतरी हुई है और ये 881 रुपए पर यहाँ पर बिक रहा है। इस साल दूसरी बार है जब रसोई गैस के दाम बढ़े हैं। देशों में सोना चांदी की रेट में रही गिरावट के दबाव में दिल्ली सरफरा बाजार में सोना बुधवार को 90 रुपए लुढ़क कर करीब एक सप्ताह के निचले स्तर पर 41,000
780 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। सोना स्टैंडर्ड 90 रुपए टूटकर 41,780 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। यह 6 फरवरी के बाद का इसका निचला स्तर है। वहीं चांदी भी 740 रुपए की बड़ी गिरावट के साथ 47,010 रुपए प्रति किलोग्राम रही, जो 2 सप्ताह के इसका निचला स्तर है। भारत सरकार द्वारा जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक जनवरी 2020 में खुदरा महंगाई दर दिसंबर 2019 के मुकाबले बढ़ गई है। दिसंबर में जहां महंगाई दर 7.35% पर थी, वहीं ये जनवरी 2020 में बढ़कर 7.59% पर आ गई है। वहीं उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक में गिरावट दर्ज की गई है। दिसंबर 2019 में उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक 14.19% था, जो जनवरी 2020 में घटकर 13.63% हो गया है। चौबीस तारीख को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत आने वाले हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति यहां पर गुजरात में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, जिसको केन छो ट्रंप का नाम दिया गया है। ये कार्यक्रम हाउडी मोदी की तर्ज पर ही आयोजित किया गया है। ट्रंप के इस दौरे में भारत और अमेरिका के बीच कुछ रक्षा सौदे पर मोहर लगेगी। इस दौरान ट्रंप के साथ फर्स्ट लेडी भी आ रही है।